मैं तो उसी की अच्छी होती है जिसकी कैलकुलेशन अच्छी हो। आपकी कितनी अच्छी है ये मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए यह सवाल लेकर आया हूँ। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 2 और 1 यहाँ पर ब्रैकेट में सॉल्व आके आ जाएगा। 3 ये वाला 3 एज इट इज रहेगा, डिवाइड एज इट इज रहेगी और 9 एज इट इज रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 9, ये डिवाइड एज इट इज रहेगा, ये 9 एज इट इज रहेगा। 9 डिवाइडेड बाय 9 कर लेंगे आप, 9 डिवाइडेड बाय 9 ये कट के आपका आ जाएगा 1। ऐसे ही तो करेंगे ना, ऐसे ही करेंगे। आपका आंसर तो आ गया, मुबारक हो जी आपको, आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। क्या बिल्कुल सही आया है, 1 मिनट रुक जाइए, आप तो खेल लिए ना, अब थोड़ा सा मुझे भी खेलने दो। यही सवाल मैं दोबारा करता हूँ, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कर लेते हैं जी, 2 और 1 हमारे हो जाएंगे 3, ये वाला 3 एज इट इज रहेगा, डिवाइड एज इट इज रहेगी, 9 भी एज इट इज रहेगा। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर है ब्रैकेट, और जब 2 नंबर के बीच में ब्रैकेट हो ना, तो उनके बीच में मल्टीप्लाई होती है, ये आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, इसका मतलब है 3 इंटू 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ना, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो पहले हम डिवाइड को प्रेफरेंस देंगे, तो हम यहां पर पहले डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, इस 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो जब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 बार ये कट जाएगा, तो इसको काट के ना यहां पर 3 आ जाएगा, ये वाली मल्टीप्लाई आ जाएगी, ये 3 आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे ना, ऐसे ही करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 3 3 9, ये आ गया मेरा आंसर। अरे आपका तो 1 आया था, मेरा तो 9 आया है, कौन गलत है, या तो आप गलत हो या तो मैं गलत हूं, सही कोई एक ही होगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। तो बात सन 1917 की है, जब हमें पढ़ाया जाता था, तो हमसे कहा जाता था कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये जो 2 अलग अलग टर्म है इनको एक ही मानेंगे। हमसे कहा जाता था कि इनको एक ही मान के सॉल्व करो, तो हम क्या करते थे, इनको एक ही मान के सॉल्व करते थे, वो बाद में अगर हमसे डिवाइड करने को कहा है तो हम डिवाइड करके आंसर लेके आते थे। ये था हमारे टाइम का तरीका, ठीक है, पुराना तरीका। लेकिन अब आ गया है मॉडर्न कंसेप्ट। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई, और ब्रैकेट का मतलब होता है बीच में उनके मल्टीप्लाई, तो ये हमने मल्टीप्लाई लिख ली। अब नए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको इसको और इसको अलग अलग टर्म कंसिडर करना पड़ेगा, ये एक अलग हिस्सा है, ये एक अलग हिस्सा है। तो अब यहां पर अब जब आप बोर्ड मास लगाएंगे ना, तो पहले तो डिवाइड होती है, तो पहले आप ना इसकी और इसकी डिवाइड करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 बार कटेगा, फिर बाद में ये वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 3 9 आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो हमें तो नया कंसेप्ट फॉलो करना है ना, तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग, वो 9 होगा, ये इसका सही आंसर माना जाएगा। तो दोस्तों इसको ऐसे समझो जैसे कैथोलिक चर्च के ज़माने में हुआ था, उन लोगों का ये बिलीव था कि जो पृथ्वी है ना, ये पूरी यूनिवर्स का सेंटर है, कि सारी चीज़ें पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हैं। उस पीरियड में जो लोग पैदा हुए, पूरी ज़िंदगी गुजारी और मर गए, वो यही मान के मर गए कि पृथ्वी ही सेंटर है पूरी यूनिवर्स का। उसके बाद आए द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है, असलियत क्या है, असलियत ये है कि सन जो है, जो सूरज है, वो पूरी यूनिवर्स का सेंटर है, और सारी चीजें जो है वो सूरज के आसपास चक्कर लगाती हैं, ये उन्होंने बताया। तो जब से हम लोग यही मानते आ रहे हैं, यही तो मान रहे हैं ना, ये कुछ और मान रहे हैं, यही मान रहे हैं। तो पहले कुछ और कांसेप्ट था, अब कुछ और कांसेप्ट है, यही चीज बिल्कुल इसके साथ है, पहले कुछ और कांसेप्ट था, अब कुछ और कांसेप्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। 25,000 क्या, 25,000, अगर आप इस वीडियो में मुझे 25,000 लाइक दे देते हो, तो मैं बोर्ड मास की एक फुल फ्लेज बेहतरीन कंसेप्चुअल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, इसमें आपको एप्लीकेशन सिखाऊंगा कि कैसे इसको हम यूज करेंगे सिंप्लीफिकेशन करने में, स्कूल लेवल से लेकर कॉम्पिटेटिव लेवल तक आपके काम आएगी सिंप्लीफिकेशन। यही रीढ़ की हड्डी है, मैथ की बैकबोन है, मैथ की कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहें, मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।